A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the important questions of PROSE, the sound machine, and we'll be taking questions one by one. The topics we'll be taking one by one. Okay, the first question in this is question number one, that is, how does Roald Dahl depict the theme of obsession in his story, The Sound Machine? Now, since I've already described you, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द स्टोरी, हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं, ठीक, जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज इसमें थे, जो आए थे वो सब हमने इसमें करवा दिए, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन यू द होल चार पांच पन्ने का जो पीडीएफ है, बट हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स बता देंगे, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उसका पूरा समअप है. एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो, हम ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो यू विल बी एबल टू डील विद एनी ऑफ द टॉपिक्स दैट कम इन द पार्ट ऑफ साउंड मशीन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रॉल्ड डेल डिपिक्ट द थीम ऑफ ऑब्सेशन इन हिज स्टोरी द साउंड मशीन. अब देखो, एक थीम यहाँ पर ऑलरेडी पूछी गई है, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन पेपर आया 2020 का, जो क्वेश्चन पेपर था, स्पेसिमेन नहीं, क्वेश्चन पेपर था 2020 का आया हुआ, उसमें से ये वाला क्वेश्चन लिया गया, 2021 में एग्जाम नहीं हुए थे. ओके, तो ये उसी का पार्ट है. अब थीम ऑफ ऑब्सेशन किसका, ऑब्सेशन फॉर साउंड्स का, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें आप जानते हो कि क्लॉजनर हु वाज द प्रोटैगनिस्ट, द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी, ठीक है, ही वॉज पैशनेट अबाउट साउंड एंड ही इन्वेंट्स अ मशीन, जो उसने बनाई थी, सो दैट ही कैन डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसीज बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन हियरिंग, वो चीजें जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है, उसके जो भी साउंड है वो उस मशीन से सुन सकता था. ओके, एंड तो यहाँ पर एक थीम वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑफ ऑब्सेशन विद साउंड, और दूसरी एक और थीम इसी में ही आएगी, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ नेचर देयर कैन बी वन मोर थीम, दैट इज एटीट्यूड ऑफ मैन टूवर्ड्स नेचर, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, कि एक होता है आप नेचर को कंजर्व करो, एक होता है एटीट्यूड ऑफ मैन टूवर्ड्स नेचर, तो ये दोनों ही चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो. नेक्स्ट इज ये इसी का पार्ट हो गया, नाउ यू कैन रीड दिस पीडीएफ सिंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू प्रीवियस ईयर पेपर, ये उसी का ही पार्ट है, ठीक, तो ये आप अपने आप से पढ़ लेना, आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, पूरा अगर हम पढ़ाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली एक एक घंटा आपका बर्बाद होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी द साउंड मशीन, डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन क्लॉजनर एंड मिसेस सॉन्डर्स. मिसेस सॉन्डर्स अ लेडी जो पार्क के पास रहती है, जो उनके घर के पास रहती है, द नेबरहुड लेडी. हाउ डज इट अफर्म हिज बिलीफ इन हिज ओन इन्वेंशन. ओके, नाउ दिस पार्ट, अगर आप कॉन्वर्सेशन या एनकाउंटर की बात करोगे तो दो लोगों के बीच में, एक क्लॉजनर और सॉन्डर्स का एनकाउंटर था, एक था लास्ट वाला जो एनकाउंटर था क्लॉजनर एंड डॉक्टर स्कॉट का, ठीक है, डॉक्टर स्कॉट के साथ. देखो, इसके बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए थे, अब हो सकता है कि वो टॉपिक भी उठा लिया जाए जहां पर डॉक्टर स्कॉट इसको मिलने आता है और वो अपनी साउंड मशीन के बारे में उसको बता रहा होता है, तो वो चीज भी आप इसमें पढ़ सकते हैं. हाउ डज इट अफर्म हिज बिलीफ इन हिज ओन इन्वेंशन, तो ये उसी का ही पार्ट दिया हुआ है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिमेन जो सेमेस्टर टू के लिए पूछा गया था, सेमेस्टर टू जो 2022 के क्वेश्चन आया था, ईयर में आया था, तो उसमें जो पार्ट पूछा गया था ये उसी का ही क्वेश्चन दिया गया है. ओके, उसके बाद इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन पेंट द कट, दिस इज ऑल्सो द सेम स्पेसिमेन पार्ट, देन पेंट द कट विथ आयोडीन विथ रेफरेंस टू दिस लाइन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉजनर. अब यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये उसके कैरेक्टर से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है, तो दिस यू हैव टू स्टडी. क्या इसमें बोला गया है कि जब, नाउ दिस, क्योंकि जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था 2022 के स्पेसिमेन में, तो ये सिर्फ चार मार्क्स का क्वेश्चन आया था. ओके, जब चार मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसी के अकॉर्डिंग आई हैव रिटन हियर कि एट लास्ट व्हेन ही हिट द ट्री द सेकेंड टाइम द ब्रांच फेल अपॉन द साउंड मशीन स्मैशिंग इट इन टू पीसेस. ही वॉज ऑल्दो डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि उसका जो अपने एक्सपेरिमेंट से
उसको उसी टाइम पर वो ये भी डिमांड, क्योंकि उसकी साउंड मशीन भी टूट गई थी, इट हैड बीन स्मैश इनटू पीसेस, तो वो फिर भी डॉक्टर स्कॉट से ये बोलता है कि जो वूंड उसने दिया था ट्री को उसको स्टिच कर दो, और उसको जो कट है दैट शुड बी पेंटेड विथ आयोडीन, वहां पर आयोडीन लगा लो। क्लॉजनर बहुत ज्यादा उसके पास फीलिंग्स थी। विद अ पेनफुल श्रीक ऑफ द प्लांट्स ही कुड सेंस द अनहर्ट पेन ऑफ द नेचर व्हेन इट इज एक्सप्लॉइटेड एंड डिस्टर्ब्ड। और यही क्वालिटी है क्लॉजनर की दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो ये चीज पूछी गई थी कि आप उसके बारे में क्या समझते हो, कि आपको उसके साथ सिंपैथी है। तो हाँ, हमें उसके साथ सिंपैथी है, बिकॉज़ ही हैज टू मच ऑब्सेशन विद साउंड्स एंड ही इज टू मच सिंपैथेटिक, और ही हैज अ लॉट ऑफ एम्पैथी विद द प्लांट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रेफरिंग क्लोजली टू द साउंड मशीन, टू द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी साउंड मशीन, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर्ड व्हेन क्लॉजनर वेंट टू द पार्क विद हिज साउंड मशीन। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2023 का, इस साल का जो स्पेसिमेन है उसी में ही ये दिस द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, और इसी के ही सॉल्यूशन में दिस आई हैव एक्सप्लेन यू द होल पार्ट। जब हमने सॉल्यूशन इसका करवाया था 2023 का स्पेसिमेन पेपर। ओके, तो आपको ये देखो, ये वही एनकाउंटर है जब वो एकदम लास्ट में पार्क में जाता है, जहां पर वो बाद में डॉक्टर स्कॉट को भी बुलाता है। ठीक, तो ये वही वाले हिस्सा है पूरा दैट यू हैव टू स्टडी, और दिस इज अ प्रॉपर 10 मार्क्स क्वेश्चन जो हमने इसमें दिया हुआ है। फिर है एक कि इसमें ये चीज पूछी जा सकती है शॉर्ट में या लॉन्ग में, कहीं पर भी ये चीज आ सकती है कि आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन है क्लॉजनर का, अपियरेंस मतलब कि हाउ ही लुक्स, ठीक है, लुक्स वो कैसा दिखता है, तो वो आपको यहाँ पर शो करना है दैट ही वॉज स्मॉल फ्रेल मैन नर्वस एंड ट्विची विथ ऑलवेज मूविंग हैंड्स। तो दिस आई हैव एवरीथिंग आई हैज बीन एक्सप्लेन यू, तो ये आप इसमें शो कर सकते हो। ही वॉज बिकमिंग मोर एनिमेटेड एवरी मोमेंट। तो ये सारी चीजें उसके अपियरेंस, वहां पर उसका कैरेक्टर स्केच नहीं पूछा गया, वहां पे सिर्फ उसका अपियरेंस कि वो देखने में कैसा था। तो दिस कैन बी यूज, या ऐसे पूछा जा सकता है कि वॉट एडजेक्टिव्स वर यूज फॉर हिम। तो ही वॉज फ्रेल, ही वॉज नर्वस, ही वॉज ट्विची, ही वॉज अ लिटिल मैन, अ मॉथ ऑफ अ मैन, ड्रीमी, डिस्ट्रैक्टेड, ओके, सडनली फ्लटरिंग एंड एनिमेटेड। तो ये ऐसा दिखता था क्लॉजनर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज, गिव एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट मिस्टर क्लॉजनर द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो या जिसका मेन रोल होता है, ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज एन अनयूजुअल पर्सन। नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2022 का जो सेमेस्टर 2 का एक्चुअल पेपर हुआ था। ओके, स्पेसिमेन नहीं, जो एग्जाम में पेपर आया था ये, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल सी चीज, देखो इतनी बड़ी स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी होती है कि उतनी बड़ी स्टोरी में से आपसे बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजें नहीं पूछी जाती जहां तक हमने ये चीजें देखी हैं। ठीक है, एनालिटिकल नहीं, बहुत डायरेक्ट, जैसे टू बिल्ड अ फायर में भी चीजें बहुत ज्यादा एकदम डीप नहीं पूछी गई, बहुत डायरेक्ट पूछी गई है। आपको सिर्फ 4 एग्जाम्पल देने थे इस चीज के, ये शो करने के लिए कि उसको, मतलब एक तो देखो लास्ट वाला सीन हो गया जिसमें ही मतलब इतना सारी चीजें होने के बाद ही वॉज बिहेविंग अनयूजुअली, जिसमें वो कह तो नहीं रहा था कि पेन द कट विद आयोडीन, तो ये एक अनयूजुअल उसका बिहेवियर हो गया। एक बिहेवियर वो वाला आप उसमें शो कर सकते हो जिसमें जो उसका इंट्रैक्शन हुआ था मिसेस सॉन्डर्स के साथ, ओके, मिसेस सॉन्डर्स के साथ जो इंट्रैक्शन हुआ था, तो उसमें भी वो यही सेम चीज करता है कि मतलब बिहेव वहां पर ऐसे करता है। इवन मिसेस सॉन्डर्स भी उसे ये कहती है कि मतलब वो ऐसे बिहेव करता है क्लॉजनर कि मिसेस सॉन्डर्स को ऑलरेडी नोज दैट ही इज अ पेक्यूलियर काइंड ऑफ पर्सन। पेक्यूलियर मीन समवन हु इज वेरी यूनिक। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, मतलब वॉट एवर थिंग्स आर बहुत ज्यादा अनयूजुअल सी चीजें हो जाती हैं उसकी। फिर ही कंटिन्यूज टू गॉज द ट्री विद द एक्स इन द होप्स दैट द डॉक्टर विल ऑल्सो हेयर द पेन्ड क्राई। नाउ दिस, ये एक काइंड ऑफ आयरनी थी कि एक तरफ वो बहुत ज्यादा सिंपथाइज था टूवर्ड्स द
प्लांट्स दूसरी तरफ वो उसी प्लांट को कट करता जा रहा था सो दैट उसका जो पॉइंट है वो प्रूव हो जाए इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। तो ऐसी बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हैं जिसको आप अपने आप से भी लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि इतनी आंसर्स को जाकर के रट लो। आप अपने आप से भी अगर टेक्स्ट बुक उठाओगे ना तो आपकी क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, देन इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर स्कॉट। अब दोनों का ही इसमें इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर स्कॉट का भी और मिसेस सॉन्डर्स का भी। वैसे मिसेस सॉन्डर्स का इतना ज्यादा कुछ रोल उसमें शो नहीं किया गया है, बट स्टिल यू नीड टू स्टडी अबाउट हर ऑल्सो एन एवरेज। नाउ डॉक्टर स्कॉट के बारे में क्या कहा गया है कि ही वॉज एन एवरेज कंट्री डॉक्टर हु कम्स टू चेक ऑन क्लॉजनर सोर थ्रोट। ही क्विकली टेक्स नोट ऑफ द मैन प्री ऑक्यूपेशन विद अ स्ट्रेंज कॉन्ट्रैप्शन ही इज मेकिंग एंड आस्क अबाउट द साउंड पर्पस, कमिंग टू बिलीव दैट देयर इज इमेंस इमेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन क्लॉजनर्स माइंड एंड बॉडी एज ही लिसन्स टू द मैंस फ्रेंजीड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज नेचर। की क्लॉजनर बहुत ज्यादा उस समय डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा था, तो ये वाला जो पार्ट था ठीक है इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक जहां तक आई हैव सीन कि एकदम लास्ट वाला पार्ट पूछा जा चुका है, अनयूजुअल बिहेवियर वाली चीजें पूछी गई हैं, बट ये वाला जो पार्ट है वो अभी भी रह गया, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो जब डॉक्टर स्कॉट पहली बार उससे मिलने आता है। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन ऑल्सो। ओके, दिस ऑल्सो वी विल टेक अगेन जब हम लोग एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे पूरी स्टोरी का। देन उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओनली, नहीं एक और क्वेश्चन है। ओके, तो दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द साउंड मशीन में इट डील्स सब्टली विद द थीम ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है, जहां पर प्लांट्स को पर्सोनिफाई किया गया है एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स के आवाज निकलती है, ह्यूमन बींग्स चीखते चिल्लाते हैं, तो वैसे ही प्लांट्स का भी पेन, देयर ऑल्सो श्रीकिंग, उनकी भी नॉइज साउंड्स यहाँ पर बताए गए हैं। व्हेन क्लॉजनर फर्स्ट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ हिज हाई पिच्ड साउंड डिटेक्शन मशीन ही डज नॉट मेंशन प्लांट्स, हाउएवर द श्रीकिंग साउंड ही हियर्स। When Mrs. Saunders snips the rose stems, sends the Klausner down a new investigative path. एकदम स्टार्टिंग में उसका ये सेंस नहीं था कि वो साउंड मशीन इसलिए बना रहा है कि उसको प्लांट्स का साउंड सुनना है, लेकिन जब उसने देखा कि मिसेस सॉन्डर्स ने जब रोज को स्निप किया, कट किया, तो उस टाइम पर उसको जो साउंड सुनाई दिया उससे उसको समझ में आया कि उसको वो जो साउंड मशीन है उसका यूसेज कहाँ करना है, वो करना है उसको ओनली टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हियरिंग द साउंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर शो की गई है कि however he reassures himself that he was wrong to call the sound a shriek of pain. For his next test he swings an axe at the base of the tree in the park appropriate to the tree's size. The sound of pain the tree makes is lower and more resonant than the that of the roses. So, वो ज़्यादा bearable sound था, जैसे कि trees का होता है, but it was less shrieking than that of roses. तो यही वाली same चीज़ है कि जैसे एकदम last में आप ये पढ़ सकते हो कि उसने tree को personify किया गया, मतलब tree को उसने human characteristic दिया है. Okay. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, दिस कैन बी आस्क्ड, मतलब एक एनालिटिकल पार्ट इसका रख लो कि इन केस क्लॉजनर का एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक सक्सेस हो जाता तो उसने मैनकाइंड को कैसे बेनिफिट किया होता, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। तो इसमें जो सबसे वाला लास्ट पार्ट है पूरा, तो वैसे उसमें स्टोरी के काइंड ऑफ बताया गया है कि वो एक काइंड ऑफ साइंटिस्ट था, अपनी इच्छा से काम करने वाला साइंटिस्ट, ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल बट वो सिर्फ अपनी इच्छा से काम करने वाला साइंटिस्ट था। ही बिलीव्ड कि वहां पर साउंड है दैट आर लो पिच्ड एंड हाई पिच्ड, जो ह्यूमन ईयर जो है वो उसको ह्यूमन ईयर जो है वो उसको नहीं सुन सकती। ओके, और फिर एकदम लास्ट में यही सेम चीज का पूछा गया कि इन केस उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो वो पूरी ह्यूमन जाति को वो कैसे बेनिफिट करता। तो नाउ इफ वी सपोज दैट क्लॉजनर्स एक्सपेरिमेंट वर अ सक्सेस, इट वुड सर्टेनली हेल्प प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पीपल वुड कम टू रियलाइज कि प्लांट्स और ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन कैजुअली, रिलीजियस पीपल वुड नेवर
resort to felling trees, ओके, डिफॉरेस्टेशन कम हो जाता है, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे एक जनरल से आप ये चीज बता सकते हो कि मैनकाइंड को वो कैसे हेल्प करता है, जस्ट बिकॉज की पीपल वुड ऑल्सो हैव बीन सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द नेचर, तो दे वुड हैव कंजर्वड नेचर एंड देर वुड नॉट हैव बीन सो मच फेलिंग ऑफ ट्रीज, सो मच डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो दीज वर द फ्यू क्वेश्चन दैट आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड, शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वील बी डूइंग मोर ऑफ सच क्वेश्चन ऑल्सो, मोर ऑफ रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो एंड मोर ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो। सो टिल देन कीप स्टडिंग फॉर योर बोर्ड्स नाउ, अब शायद प्री बोर्ड का तो टाइम चला ही गया होगा, तो keep studying for your boards and whatever problems you have, whatever queries you have, you can mention it in the comment box. Till then, just be your best. Thank you.